खुश आमदीद। और आज हम जा रहे हैं ईरान का वीज़ा लगवाने के लिए, तो आपको बताते हैं ईरान का वीज़ा कैसे लगता है और क्या डॉक्यूमेंट जमा होते हैं ईरान के वीज़े में। आएँ हमारे साथ चलें। तो हम पहुंच गए हैं अल अहमैन के ऑफिस पे। अंदर जब मालूम करते हैं इसे कैसे वीज़ा लगता है, क्या होता है, तो अंदर जाके देखते हैं। वीज़ा तो हमारा आ गया है कल, और मेन चीज़ें हम जा रहे हैं परसों ईरान। और आप लोगों को बताया था मैंने जो क्या है इसका वीज़े के अंदर, आपको बताइए वीज़ा कैसे लगता है और क्या प्रोसेस होता है। तो भाई वीज़ा मैंने दिया था जुम्मे वाले दिन दिया था, और पीर वाले दिन मुझे मिला है जो 4 दिन में। और अर्जन हमने करवाया था, उसकी फ़ीस अलग होती है, जो उसकी फ़ीस है हमारी 6,000 रुपये, जो हमने 6,000 रुपये में हमने हुआ है हमारा। उसके अंदर डॉक्यूमेंट हमने दिए थे, शनाख्ती कार्ड दिया था हमने, और पासपोर्ट दिया था, और हमने नादरा सर्टिफिकेट दिया था वैक्सीन का, जो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। भाई देखा है तो आप अकेले भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी खुद अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोग भी अकेले ट्रैवल करते हैं, बाय रोड कर सकते हैं, बाय प्लेन कर सकते हैं आप लोग, तो अकेला करना चाहिए भाई, आप लोगों को भी खुद सीखना पड़ेगा। और अभी हम इंशाल्लाह C2 होगी कराची से लेके ईरान के बॉर्डर तक कैसे सफ़र होता है और इतनी पेमेंट लगती है, वो भी आपको आगे जाके बताएंगे हम। हमारे साथ चलें।